Hello everyone, welcome to My Language, My Learning. So I'm sharing my screen. Let's have a look. Welcome to My Language, My Learning, change the way we learn. So this is our module 1, direct and inverse proportion. This is the chapter of class 8 and we will learn व्हाट इज डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन. ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन है क्या. ठीक है, डिटेल में हम स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, बट मॉड्यूल वो में इसके अंदर आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन सबसे पहले आएगा, तो उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे. ओके, इन अ डिटेल स्ट्रक्चर. सो वी विल लर्न डायरेक्ट प्रोपोर्शन दिस मॉड्यूल. सो वॉट वी विल लर्न दिस इन दिस मॉड्यूल, हम लोग इस मॉड्यूल में क्या क्या पढ़ेंगे और क्या क्या जानेंगे. सबसे पहले तो बात आती है व्हाट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शंस. डायरेक्ट प्रोपोर्शन हमारा क्या है. ओके, व्हाट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन. डायरेक्ट प्रोपोर्शन हम किसे बोलते हैं. हाउ डू वी फाइंड वेदर टू थिंग्स आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन. हम लोग कैसे जानेंगे कि टू थिंग्स, दो चीजें हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है. ठीक है, एंड देन थर्ड वन इज यूज ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन इन आवर डेली लाइफ. डायरेक्ट प्रोपोर्शंस की हमारे डेली लाइफ में क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे वो डेली लाइफ में यूज होती है, उसके फॉर्मूला कैसे यूज होता है, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे. ओके, क्लियर ऑल माय ड्राइंग्स. यस, सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन, सबसे पहले डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं. डायरेक्ट प्रोपोर्शन किसे बोलते हैं. सो व्हाट इज आवर डेफिनेशन. डेफिनेशन सेज डायरेक्ट प्रोपोर्शन इज अ मैथमेटिकल कंपैरिजन. ठीक है, एक मैथमेटिकल कंपैरिजन होता है बिटवीन टू नंबर्स वेयर द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू अ कांस्टेंट वैल्यू. इसमें क्या हो रहा है कि दो क्वांटिटी, दो नंबर्स के जो रेशियो है वो एक हमेशा कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट वैल्यू आ रही है उसकी. ठीक है, द प्रोपोर्शन डेफिनेशन सेज, ये प्रोपोर्शन डेफिनेशन क्या बोलता है, दैट सेज व्हेन टू रेशियोज आर इक्विवेलेंट. अगर दो रेशियोज इक्विवेलेंट होंगे, जैसे मैंने इक्विवेलेंट बहुत सारे मॉड्यूल में पहले भी बता चुका कि दो रेशियोज इक्विवेलेंट कब होते हैं. ठीक है, व्हेन वन कैन बी रिटन एज अ अदर. ओके, दे आर इन प्रोपोर्शन. द सिंबल यूज टू रिलेट द प्रोपोर्शन इज दिस वन. ओके, इट इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शन साइन दिस वन. ओके, सो ये मैथमेटिकली आपका बोल रहा है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन इज अ मैथमेटिकल कंपैरिजन. ये एक बेसिक एक कंपैरिजन है, किस पे, दो नंबर्स पे. ठीक है, और आप कह सकते हो दो क्वांटिटीज पे भी, वेयर द रेशियो ऑफ टू नंबर्स, यहाँ की आपका दो नंबर्स इज इक्वल टू अ कॉन्स्टेंट वैल्यू, हमेशा कॉन्स्टेंट वैल्यू के बराबर होती है. ओके, अब डेली लाइफ एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि कहाँ कहाँ किस किस जगह पे आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगता है. ठीक है, या फिर डायरेक्ट वेरिएशन लगता है, हम समझेंगे. द कॉस्ट ऑफ ए फूड आइटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट वेट. हम लोग समझते हैं, अगर एक केजी चीनी का दाम 20 रुपीज है, लेट सपोज, देन आप 2 केजी चीनी का दाम बोलोगे तो डेफिनेटली इट वुड बी 40 रुपीज, है ना. 1 kg इक्वल टू, इफ सपोज 1 kg का दाम 20 रुपीज है, 1 rupees 20, देन 2 kg इज डायरेक्टली विल बी 20 into 2 विच इज इक्वल टू rupees 40, है ना बच्चे. तो ये आपका डेली लाइफ एग्जाम्पल हो गया. दूसरा क्या है आपका, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ वर्कर्स. कितना अधिक काम होगा, जितने ज्यादा वर्कर होंगे, है ना, वर्कर जितने ज्यादा होंगे उतना अधिक काम होगा. अगर मान लीजिए किसी फैक्ट्री में सिर्फ ओनली 5 वर्कर्स है, काम तो होगा बट बहुत स्लो दिन में होगा. लेट सपोज 6 महीने लग जाएंगे, 6 months. ठीक है, 6 महीने. बट इफ सपोज आपको बोला गया है, लेट सपोज 1000 वर्कर्स आ गए, या आपका 1 month में ही कंप्लीट हो जा रहा है, लेट सपोज 1 month या फिर इससे भी कम 15 days में भी कंप्लीट हो जाएगा कोई वर्क. ठीक है, तो इसमें क्या है आपका, जितने ज्यादा आपके वर्कर्स हैं, जितने ज्यादा लोग हैं, उतने ही ज्यादा, उतना ही फास्ट आपका काम हो रहा है. ठीक है, उतना फास्ट काम हो रहा है, या फिर आप बोल सकते हो
या फिर ये भी बोल सकते हो उतना अधिक काम हो रहा है, ठीक है। एक काम मतलब मतलब कि आप ये समझो ना, जैसे कि 5 वर्कर्स में आपका 6 महीने में काम हो रहा था, ठीक है, लेकिन लेट सपोज 2 ही बिल्डिंग बना, 2 बिल्डिंग्स, ओके, बट 1K में क्या हो रहा है, आपका 6 बिल्डिंग्स बन जा रहा है लेट सपोज। इसमें क्या हो रहा है, आपका जितने ज्यादा वर्कर्स उतने अधिक काम, ठीक है। देन आपका फ्यूल कंज्यूम्शन, थर्ड आपका एग्जाम्पल ले लेते हैं, द फ्यूल कंजम्पशन ऑफ ए कार इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस कवर्ड। जितना अधिक आप डिस्टेंस कवर करेंगे पेट्रोल या फिर आपका डीजल, उतना ही लगेगा। एग्जैक्टली, आप देख सकते हो आप लॉन्ग डिस्टेंस में जा रहे हो, यहाँ से आप सपोज जा रहे हो रांची से आप जा रहे हो कोलकाता, या फिर आप जा रहे हो कुछ बड़े बड़े डिस्टेंस, दिल्ली मुंबई ले लिया, हम लोग ट्रेन से जाते हैं, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका सबसे ज्यादा फ्यूल लग रहा है, ठीक है। फ्यूल ज्यादा जितना लगेगा उतना ही आपका डिस्टेंस कवर्ड होगा, ठीक है। कम डिस्टेंसेस में, बहुत कम डिस्टेंसेस है आपका, लेट्स से 1 आवर की डिस्टेंस है, तो फिर ओनली आपका 5 किलोमीटर आपका कोई डिस्टेंस है, बहुत कम फ्यूल लगेगी उसके लिए, ठीक है। तो ये आपका फ्यूल कंजम्पशन ऑफ अ कार इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस कवर्ड, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ओके। सो ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए बच्चे, जिससे आप समझ सकते हो कि डेली लाइफ सिचुएशन में डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहाँ कहाँ यूज होता है, ओके। सो कमिंग, विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, फॉर्मूला ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब हम समझते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला होता क्या है, ठीक है। आप ऐसे समझो, फिर मैं आपको बताती हूँ कि फॉर्मूला क्या होता है और ये कैसे डराइव हुआ। अगर आप मान लो 1 kg राइस का प्राइस ₹20 है, तो 2 kg राइस का प्राइस ₹40 होगा। लेट सपोज दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, ओके। इफ सपोज रेशियो अगर हम निकाल रहे kg₹2, ओके, सो 1/20 फर्स्ट रेशियो आपका हो गया R1। लेट सपोज R2 आप निकाल रहे हो, देन 2/40 विच इज 2 × 2, 2 × 4, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1/20। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, रेशियो आपका हमेशा कॉन्स्टेंट आ रहा है, यानी कि सेम आ रहा है। जब भी रेशियो आपका कांस्टेंट आए, सेम आए, तो आप समझ जाओ कि ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। अब फॉर्मूला की ओर बढ़ते हैं, फॉर्मूला क्या बोल रहा है इसमें, द डायरेक्ट प्रोपोर्शन फॉर्मूला सेज इफ द क्वांटिटी वाई इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी एक्स। समझ रहे हो बच्चे, मतलब बोल रहा है क्वांटिटी वाई, इसका मतलब है कि अगर आप मान लो कि केजी आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है आपका रुपीज में, ठीक है, कॉस्ट में, देन वी से डेट वाई इज इक्वल टू के एक्स। तो हम ये क्या समझेंगे कि वाई जो है वो आपका के एक्स है, ठीक है, फॉर ए कॉन्स्टेंट के के लिए, ठीक है। तो हम इसे ये भी कह सकते हैं वाई इज इक्वल टू के एक्स हो रहा है आपका, इज ऑल्सो द जनरल फॉर्म ऑफ द डायरेक्ट प्रोपोर्शन इक्वेशन। ये आपका जनरल फॉर्म है आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल इक्वेशन का, ओके। आई बात समझ में, ओके। सो एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं यहाँ पे। वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, कोई एक क्वांटिटी है वाई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका क्वांटिटी एक्स में, ठीक है। एंड एक्स इज इक्वल टू 3, यहाँ पे आपको दे दिया गया है कि आपकी जो वैल्यू है एक्स की वो है आपकी 3, एंड वाई की जो वैल्यू है उस वहां पे आपको दी हुई है 15, ओके। व्हाट इज द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जो मैंने पहले आपको बताया था कि अगर दो क्वांटिटी की रेशियो सेम आ रही है, हमेशा सेम आते जा रही है, तो वो कॉन्स्टेंट रेशियो होगा। तो आपको इधर वही निकालना है, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी निकालना है, उसका वैल्यू क्या होगा, ओके। सो देखते हैं, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हम लोग ये जान रहे हैं कि क्वांटिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। और ये जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो इक्वल टू का साइन आता है, वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, सॉरी वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ओके। सो जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तब आपका इक्वल टू के बाद एक कॉन्स्टेंट के आ जाता है ना बच्चे, यही कांस्टेंट के
आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो है इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे है y इज इक्वल टू के एक्स, आपको क्या करना है, पुट करना है y इज इक्वल टू 15 एंड x इज इक्वल टू 3, ओके। सो y इज इक्वल टू 15 यहाँ पे पुट किया, k इज इक्वल टू k रहने दिया, एंड x इज इक्वल टू 3 आपको पुट कर रहे हैं। अब क्या करना है, क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ये आपका लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हो। क्या कर दो, डिवाइड कर दो दोनों साइड को 3 से, वी गेट 5 हियर एंड वी गेट k मल्टीप्लाई बाय 1, वी गेट k इज इक्वल टू 5, हमें क्या मिल रहा है, k इज इक्वल टू 5 मिल रहा है। सो द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज 5, सो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो है वो आपका 5 है, ठीक है। सो यहाँ से आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, या फिर आप ये भी बोल सकते हो जो आपका इक्वेशन आया y इज इक्वल टू, k के वैल्यू 5 आया, तो y कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स। सो दिस इज द इक्वेशन, ओके, होप यू अंडरस्टूड। ओके नाउ, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये टेबल कंप्लीट करना है, ये टेबल दिया हुआ है, आपको ये टेबल कंप्लीट करना है कि अगर क्वांटिटीज दोनों एक्स और वाई वेराई कर रही है आपकी डायरेक्टली, देन आपको बताना है कि ये कैसे वेराई करेगी। आपको ये चार्ट जो दिया हुआ है आपका टेबल, वो आपको टेबल को पूरा फुलफिल करना है ना, ठीक है। तो जैसे आपका टेबल है, सबसे पहला क्वांटिटी आपका ये है, देन आपका ये एंड दिस आपका ये आपको तीनों निकालना है, ओके। सो लेट्स सी अप्रोच क्या होगा आपका। सबसे पहले आपका बढ़ते हैं, लेट सपोज हम लोग मान लेते हैं ये जो क्वांटिटी था आपका वो ए था, ये बी था एंड ये आपका सी था, ओके। हम जान रहे हैं कि एक्स एंड वाई वेराई डायरेक्टली, एक्स और वाई जो क्वांटिटी है वो डायरेक्टली वेराई कर रही है। इसका मतलब हम लोग अगर इसे एक्स वन मान लेते हैं, लेट सपोज ये एक्स एन है, ये 1 2 3 4 डॉट 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 एन तक जा रही है, ठीक है। तो ये सी 1 2 3 and 4 कॉलम तक है, इसीलिए सबसे पहले एक्स वन एंड वाई वन टू एक्स टू एंड वाई टू हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ से आपको क्यों, क्योंकि रेशियो दोनों की सेम है ना बच्चे, ठीक है। सो 3.5 डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू 4/8 लिख सकते हैं हम लोग। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, वी गेट द वैल्यू ए इज इक्वल टू 7, ओके। ए के वैल्यू हमें 7 मिल गई है। नाउ हम फिर देखेंगे 4/8 इज इक्वल टू 7.5 डिवाइडेड बाई बी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों आपका सेम रेशियो में है। सो हेयर वी गेट बी के वैल्यू आपका 15 आ जाएगी, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से। एंड नाउ आपका सेम प्रोसेस 7.5 या फिर 4/8 इज इक्वल टू c/15 आप लिख सकते हो, क्योंकि आपका सेम रेशियो आ रहा है, सारी आपके रेशियो सेम है, पर आपको 4/8 इज इक्वल टू 1/2 आ रहा है। अब उसको इजिली इक्वेट कर दो सबसे, तो आपका आंसर आ ही जाएगा, है ना बच्चे। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, 4/8 इज इक्वल टू c/15, यहाँ सब c की वैल्यू ले आए 7.5, है ना। सो आप इजिली निकाल सकते हो वैल्यूज को और कंप्लीटली बना सकते हो, ओके बच्चे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, यस। So it says the cost of 20 books is rupees 180. क्या बोल रहा है इसमें, 20 books की price जो है वो rupees 180 है। How much will 15 books cost? 15 books की prices कितनी होगी, मैंने पहले ही बताया हुआ, जितना ज्यादा books उतनी ज्यादा आपकी price होगी, जितना कम book उतने कम price होगी, ठीक है। ये vary कर रहा है आपका directly in this question, है ना बच्चे। So देखते हैं ये question कैसे बनेगा। So, यहाँ पे आप बुक्स की फोटोज भी देख सकते हो, ओके, यस। सो यहाँ पे बोल रहा है कि 20 बुक्स इज रुपीज 180, सो टू क्वांटिटीज हो गई x1 एंड x2, एंड यार 15 बाय इसे हम ले लेते हैं x, क्योंकि कॉस्ट को x मान रहा है, ओके। सो वी विल गेट 20/180, ठीक है, 20/180 इज इक्वल टू 15/x हम लिख सकते हैं। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई वी गेट x इज इक्वल टू 135, क्यों, क्योंकि दोनों की रेशियो सेम है, सो वी गेट
रिक्वायर्ड कॉस्ट इज रुपीज 135, हमें रिक्वायर्ड कॉस्ट जो मिल रही है वो रुपीज 135 है. ओके सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन. यस यहाँ पे बोल रहा है 3 kg ऑफ सुगर कंटेन्स 9×10⁸ क्रिस्टल्स. इट इज 9×10⁸, नॉट 108, 10⁸. ओके अब सोचो 3 kg में इतने सारे क्रिस्टल्स हैं, हाउ मैनी सुगर क्रिस्टल्स आर देयर इन 4 kg ऑफ सुगर. ये निकालना तो बहुत ही मतलब आपको लगता होगा कि एक एक कोई दाना थोड़ी ना गिनने जाएगा, बट इसमें क्या है आप ऑब्वियसली निकाल सकते हो. क्यों? क्योंकि 3 kg का इतना है तो 4 kg का ऑब्वियसली ज्यादा होगा. तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये फिर आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है. ठीक है तो ये क्वेश्चन फिर वैसे सॉल्व होगा, सेम रेशियो से ही बनेगा. ठीक है बच्चे, सो लेट मूव टू द आंसर. या लेट मी फर्स्ट क्लियर ऑल माय ड्राइंग्स. या सो 3 kg सुगर आपका 9×10⁸ क्रिस्टल्स आपका कैरी कर रहे हैं, तो 4 kg कितना कैरी करेगा. लेट सपोज हम यहाँ पे एक्स मान लेते हैं. ओके सिंस द टू क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हम जानते हैं कि दो क्वांटिटी जो दी गई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इच अदर है. ठीक है सो x1/y1 = x2/y2 होगा हमारा. नाउ 3×9×10⁸ इज इक्वल टू वाई बाई एक्स हम लोग लिख सकते हैं. क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि दोनों का जो रेशियो है वो सेम आएगा, इसलिए हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सो वी गेट 3×x इज इक्वल टू 4×9×10⁸ हो जाएगा. सो वी गेट हेयर एक्स इज इक्वल टू 4×9×10⁸/3 विच इज नथिंग बट 12×10⁹. ठीक है सो हमारा जो क्रिस्टल्स, नंबर ऑफ क्रिस्टल्स इन 4 kg जो होगा वो होगा आपका 12×10⁹. तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो कि 4 kg का ज्यादा है ना बच्चे. इसमें आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आपको सिर्फ और सिर्फ एक बात यही समझ में आनी चाहिए कि जितना ज्यादा क्वांटिटी होगी उतने के नंबर्स आएंगे, उतने ही आपके वैल्यूज आएंगे. ठीक है ओके मूविंग टू द नेक्स्ट वन. या हियर इट इज. मोहित डिपॉजिटेड अ सम ऑफ रुपीज 12,000 इन अ बैंक एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 years. बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में कि मोहित एक व्यक्ति है. ठीक है उसने क्या किया, 12,000 रुपीज क्या किया है, बैंक में जमा कर दिया. कुछ इंटरेस्ट दे रहा होगा बैंक, उसमें जमा कर दिया. मैंने पहले भी सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन बहुत सारे आपको बताए हैं बच्चे, उसी से कुछ रिलेटेड है. यहाँ पे आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, है ना. एंड अर्न्स एन इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 900. क्या करते हैं वो, 900 का इंटरेस्ट आपका, 900 rupees इंटरेस्ट वो अर्न करते हैं. हाउ मच इंटरेस्ट वुड बी अर्न फॉर अ डिपॉजिट ऑफ रुपीज 15,000 फॉर द सेम पीरियड एंड एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट. जाहिर सी बात है 12,000 पे उसे उतना मिल रहा है, 15,000 में सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट में सेम ईयर में उसे ज्यादा मिलेगा. क्यों मिलेगा? क्योंकि वो ज्यादा पैसे जमा कर रहे हैं ना. ठीक है सो ये आपका जो क्वेश्चन है ये फिर आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है. ये भी क्वेश्चन आपका सेम उसी तरीके से बनेगा. ओके सो इट इज अ क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन. ओके सो आंसर की ओर बढ़ते हैं. सो यहाँ पे हम देख रहे हैं 12,000 rupees में इंटरेस्ट हमें जो मिल रहा है वो 900 rupees है. आप याद करिए जब पहले आप क्वेश्चंस बनाते थे तो क्या करते थे कि क्वेश्चंस लिखे, कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर हम टाइम पीरियड निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट में कितना है आपका ये था. बट आप इसमें डायरेक्ट डायरेक्ट वेरिएशंस लगा के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. तो इट शुड बी नोटेड इन योर कॉपी कि आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन से बिना सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला निकाले भी आप निकाल सकते हो. ठीक है सो 15,000 में आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा. सो हेयर x1/y1 = x2/y2. ठीक है क्यों? क्योंकि दे वेराई डायरेक्टली दे आर इन डायरेक्ट वेरिएशंस. सो आपका x1 है आपका 12,000 rupees
ओके इंटरेस्ट मिल रही है आपको 900 की. नेक्स्ट इज आवर 15,000, ये आपको एक्स की मिल रही है इंटरेस्ट. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, वी गेट 12,000 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू 900 मल्टीप्लाई बाई 15,000. सो वी गेट हेयर 900 मल्टीप्लाई बाई 15,000 डिवाइडेड बाई 12,000. सो यहाँ पे आपका कैंसिल आउट हो जाएगा आपका 3,3. ओके एंड यहाँ से आपका 3,4 ज़ 12, 3,5 ज़ 15. ओके एंड हेयर इट इज नथिंग बट 2,4 ज़ 8, 2,5 ज़ 10, 0, 2,2 ज़ 4. वी गेट 2,2 ज़ 4 हेयर, 2,2 ज़ 4, 2,5 ज़ 10. सो 225 मल्टीप्लाई बाई 5 rupees, which is 5 5 is 25, 5 2 is 10, 11 12, 5 2 is 10, 11, 1125. So 1125 rupees is our interest here. Okay, so 1125 rupees आपका यहाँ पे interest होगा. So आप इस questions में ऐसे आप बना सकते हो. So ये approach रहेगा आपका direct variations का. आपको इस क्वेश्चंस को देख के आपको थोड़ा सा दिमाग में आएगा कि मैम ये क्वेश्चंस आए थे एग्जाम्स में बट मेरे से नहीं बने. बहुत बार बच्चे ऐसे भी बोलते हैं. बट इस वाले क्वेश्चंस में आपको ये अप्रोच रखना है कि दोनों क्वांटिटी जो है उनकी रेशियो सेम आई है, तो बच्चे आप इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन से बना सकते हो. अब इसमें SI या फिर सिंपल इंटरेस्ट या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाने आप बैठोगे तो ये क्वेश्चंस बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और आपका टाइम टेकिंग भी होगा. सो ये आपको सिंपल कॉन्सेप्ट आपका यही है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका यही है. ठीक है, ओके. सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन. सो इस चैप्टर में आपका इतना ही है. डायरेक्ट प्रोपोर्शन आपको बेसिकली आपके लिए किस चीज के लिए होता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन आपको समझाता है कि आप जो क्वांटिटी आप ले रहे हो, एक क्वांटिटी किसी भी चीज की, लेट सपोज 1 kg की आपको प्राइस, आपको पोटेटोज की प्राइस ₹40 मिल रही है, तो आपको 5 kg की कितनी होगी. अब डे टू डे लाइफ से भी रिलेट करो ना. अगर आपको मम्मी आपको बाजार भेज रही है, आपको बोल रही है कि ₹20 kg मिल रहा है, ठीक है ले आओ 4 किलो ले आना, तो इसमें क्या है, आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन से आप डायरेक्टली निकाल सकते हो और क्वेश्चन बना सकते हो. सो मैथमेटिक्स क्या है, डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है. आप उसे अगर आप सोचोगे कि वो भारी है या फिर क्या नए चीज पढ़ रहे हैं हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो ये कुछ भी नया नहीं है. ये आपका रिलेटिवली आपका डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है और आप उसको बना सकते हो. सो इस मॉड्यूल में आपका इतना ही है. ये बेसिकली डायरेक्ट प्रोपोर्शन से रिलेटेड था. नेक्स्ट मॉड्यूल में हम लोग इनवर्स प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, जो हम लोग समझेंगे कि डे टू डे लाइफ से रिलेटेड आपका कैसा है, एग्जाम्पल से समझेंगे फॉर्मूला क्या है, डेफिनेशंस क्या है, एंड हम लोग इसको क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, सो होप यू एंजॉय माई लेशंस. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू.